मीठी मीठी मस्त पवन की तनन तनन तन बंसरी बजाती आई मेरे गले चुप हुए क्यों तुम। बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा श्यामल श्यामल बरन ऐसे तड़पू के जैसे जल मुझे समझो ना तुम बोली भाली रे दिल में जल रही है हर मान की चिता आइए दोस्तों बात करते हैं 50 और 60 के दशक की हिंदी और मराठी फिल्मों की अभिनेत्री संध्या की। इन्हें संध्या शांताराम के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 27 सितंबर 1938 को केरल के कोची में हुआ था। बचपन में ये अपने पिता और बहन वत्सला के साथ रंगमंच से जुड़ गई थी। घरवालों ने इनका नाम विजया देशमुख रखा था। थिएटर में काम करते करते इन्होंने मुंबई जाकर फिल्मों में अभिनय करने का मानस बनाया और 50 के दशक की शुरुआत में ये मुंबई चली गई थी। जिस समय ये मुंबई गई थी उस समय निर्माता निर्देशक वी शांताराम मराठी फिल्म अमर भूपाली बना रहे थे। उनको इस फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश थी। इसके लिए उन्होंने विज्ञापन भी दे रखा था। जब संध्या ने वी शांताराम से संपर्क किया तो वी शांताराम को इनमें कोई खास प्रतिभा दिखाई नहीं दी, लेकिन इनकी आवाज़ ने उनको आकर्षित किया और उन्होंने फिल्म अमर भूपाली में इनको काम दे दिया। इनकी पहली फिल्म अमर भूपाली सुपरहिट रही थी। ये चेहरे मोरे से अभिनेत्री नहीं लगती थी, लेकिन इनकी अभिनय क्षमता दमदार थी। सोना ये टकरा गया तुझे रच कर तेरा भी चकरा गया। 1953 की फिल्म 3 बत्ती 4 रास्ता इनकी पहली हिंदी फिल्म थी। इस फिल्म का निर्माण भी वी शांताराम ने ही किया था। ये फिल्म सफल रही थी और इनके अभिनय की जमकर प्रशंसा हुई थी। उसके बाद वी शांताराम ने जनक जनक पायल बाजे फिल्म बनाने का फैसला लिया। इस फिल्म के लिए उन्हें एक शास्त्रीय नृत्य में पारंगत अभिनेत्री की जरूरत थी। वी शांताराम ने वैजयंतीमाला से बात की, लेकिन वैजयंतीमाला ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वे कम बजट की फिल्म में काम नहीं करेंगी। संध्या ने इस फिल्म में काम करने के लिए फिल्म के अभिनेता गोपी कृष्ण से पूरी मेहनत और लगन के साथ कथक नृत्य सीखा। कहा जाता है कि ये रोज 18 घंटे तक कथक नृत्य का अभ्यास किया करती थी। फिल्म जनक जनक पायल बाजे सुपरहिट रही थी। इसने 4 फिल्म फेयर पुरस्कारों के साथ
सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता था। साल 1957 में इन्होंने वी शांताराम के साथ फिल्म दो आंखें बारह हाथ में काम किया था। फिल्म की मुख्य भूमिका में वी शांताराम और उम्र कैद की सजा पाए हुए छह कैदी हैं। संध्या एक खिलौने बेचने वाली की भूमिका में है और इन पर तीन चार गाने भी फिल्माए गए हैं। अगर आपने दो आंखें बारह हाथ नहीं देखी है तो ज़रूर देखना। ये फिल्म देखने के बाद आपको अहिंसा परमो धर्म का असली अर्थ समझ में आ जाएगा और साथ ये भी पता चल जाएगा कि वी शांताराम का नाम इतने आदर के साथ क्यों लिया जाता है। जब साल 1959 में इन्होंने फिल्म नवरंग में अभिनय किया था। इस फिल्म के सभी गाने सुपरहिट हैं और श्रोताओं द्वारा आज भी पसंद किए जाते हैं। तेरी बाके लटक में है जादू बड़ा, बड़े मन से विधाता ने साल 1961 में इन्होंने वी शांताराम के साथ फिल्म स्त्री में काम किया था। इस फिल्म में इन्होंने शकुंतला की भूमिका निभाई थी और ये फिल्म भी हिट रही थी। उसके बाद इन्होंने साल 1963 की फिल्म सेहरा में अभिनय किया था। इस फिल्म के गाने भी खूब लोकप्रिय हुए थे और आज भी लोकप्रिय हैं। इन्होंने वी शांताराम के अलावा दूसरे किसी निर्माता निर्देशक की फिल्म में काम नहीं किया था। इनकी साल 1971 की फिल्म जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली भी काफी लोकप्रिय रही थी। साल 1956 में इन्होंने वी शांताराम से शादी की थी। वी शांताराम की ये तीसरी पत्नी थी। पहली शादी वी शांताराम ने साल 1921 में की थी, दूसरी शादी साल 1941 में और तीसरी शादी इनसे साल 1956 में। साल 1990 में वी शांताराम का निधन हो गया था। संध्या ने खुद किसी संतान को जन्म नहीं दिया था, लेकिन ये वी शांताराम की दूसरी पत्नियों से पैदा संतानों को अपनी संतान समझती है। नाजुक नाजुक बदन, धीमे धीमे चलन, तेरी बांके लटक में है जान।